हेलो एवरीवन, मैं बिंदु, हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। ये देखिए, ये हमें लेके आया पकड़ के इधर से इधर, फिर इधर से इधर मगर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, भूख लग गई, खाना बनाओ। अभी नाश्ता किया था, भूख लग गई। अब पता है ना, मेरे भांजे का फ़ोन आ गया, ननद का बेटा, जहाँ मैं गई थी ना मुंबई मिलने के लिए, उनके पास उन्हीं का फ़ोन आया। एक घंटा बाद हो गए, 12:30 बजे से मैं लगी बात करने में, 1:30 बज गए हैं। और इन सबको ना मैं नाश्ता बना के दी थी, वो सारा बर्तन वर्तन मैं धोई, वो बर्तन वर्तन जब मैं धो रही थी ना, तभी उसका फ़ोन आ गया मेरे भांजे का, और बात करते करते ना 1 घंटा लग गया। उसने कहा, मामी आजकल आप बात नहीं करती। हम देखते मामी हमारी हमको याद करती हैं कि नहीं करती, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दिन में ना टाइम ही नहीं मिलता। 7 बजे के बाद शाम को जब भी फ़ोन करोगे बेटा ना, हमसे बात हो जाएगी, टेंशन मत लो। अभी ना हम बनाने जा रहे थे पटेर, वही मैं उसे बोली कि अब शुभम तुम सौरभ रखो बेटा फ़ोन, मेरा ना अभी काम चल रहा है, अभी मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि 1:30 बज गया ना। बाबू को 2 बजे सुलाऊंगी, फिर 4:30 बजे 5:45 बजे उठाऊंगी, फिर उसको लेके जाऊंगी स्विमिंग के लिए बच्चों को। तो अभी ना मेरे सब्जी वब्जी हम काट लिए हैं, बहुत ज़्यादा बहुत देर तक बात हो गई, हमें सब काम लेट हो गया। अभी सब नाश्ता किए थे, सबको भूख भी लग गई। ये देखिए, हम पटर की सब्जी बनाएंगे। जीरा रख लिए हैं, इलायची है, लौंग है, और क्या बोलते हैं, धनिया। और यहाँ पे हम पटर भी काटे हैं, पटर ऐसे ना, एक में 4 टुकड़ा हम किए हैं ऐसे। ये प्याज रख लेते हैं, लहसुन, ये सब ना हम रख लेते हैं, इसमें रखेंगे, मिक्सी जार में डाल के इसको ना हम पीस लेते हैं, पहले पीसेंगे नहीं। यहाँ देखिए, बात करते करते उनसे ना दिमाग नहीं काम किया। यहाँ पे तेल रखे हैं, देखिए गर्म होने के, तेल से ना धुआं उठा है, गर्म हो गया। हम उसको बनाने के लिए ना लेंगे थोड़ा सा बेसन, हमें पता ही नहीं है। देखिए बेटी ने क्या लिखा, इस पर बेसन लिख दिया है। और इसमें से ना निकालते हैं थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं, बहुत कम लगेगा। इसमें डालूंगी मैं हल्का सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी और नमक डाल दिए हैं, अब इसको ना हम फेंट लेते हैं, रख लिए हैं। अरे मत घुमा, ये ना चावल और दाल का पानी हम धो के रखे हैं पौधों में डालने के लिए, ये बोल रहा है, इसको हम घुमा देते हैं। चलो यहाँ बालकनी में रखते हैं, अभी इसको ना डालेंगे पौधे में। अब ना मैं मसाला ये पीस लेती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। इसमें ना हम अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया छोटा सा मसाले में। हाँ कर दो, ये बाथरूम जा रहे थे ना डर की वजह से, मिक्सी जार चला रहे थे, मिक्सी ना तो बाथरूम नहीं जा रहे। ये देखिए हम इसको ना पीस लिए हैं अच्छे से, और क्या करेंगे। अरे बाबू लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इनको 2 बजे चलाना है ना। अरे बाबा ये हल्दी डब्बा रख, तू जा। यहाँ पर मेरा तेल गर्म है, और ये है पटर, इसको ना हम इसे लपेट लेंगे, और इसी तेल में ना हम करेंगे इसे फ्राई। रुद्रा ऐसे ऐसे ना हम डाल के फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हम एक ही बार में सब डाल दिए हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे ना तो लेट हो जाएगा, टाइम नहीं है, बच्चों को भूख भी लग गई है। इसी तेल में ना हम फ्राई करेंगे आलू भी। ये देखिए हमारे आलू भी ना ब्राउन हो गए, बाबू को दूध भी पिला दिए, और इसमें जो 2 पकौड़ियाँ थी ना ये खा गए, और बोल रहे हैं ना पकौड़ी और दे दो तुरंत, इसको ना निकालते हैं हम। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा ना हम सरसों का तेल भी डाल दिए हैं, और इसमें लगाएंगे तेज पत्ता का तड़का, इसमें छोटी सी दालचीनी भी डालेंगे हम। ये हो गया, अभी इसमें जो सारे मसाले, में देखिए पानी गिर रहा है, इसमें से सारे मसाले पीस के रखे थे ना, ये सब डाल देती हूँ मैं इसमें। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया तो हम पीसे ही हैं इसमें, साबुत धनिया इसमें हम पीस लिए हैं। ये देखिए हमारा मसाला पक गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है, और आप लोग देख सकते हैं इसमें इतना ज़्यादा हम तेल नहीं डाले हैं कि साइड में आप सबको तेल दिख रहा होगा, कि गर्मी है ना तो थोड़ा बचा के खाना चाहिए, नुकसान करता है। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सब्जी मसाला,
थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि सूख गया है। इसके साथ ना अच्छे से मिल जाएगा। और देखिए बाबू ना पटर पटर से बेसन उतार उतार के ना खाए जा रहा है। देखिए तीन चार पटर तो दिखने लगा, बेसन हट गया। इसने जो घूंघट घूंघट डाल रखा था ना पटर ने, इसका घूंघट हट गया। ये भी पक गया है। इसमें ना हम गरम मसाला स्किप किए हैं क्योंकि गर्मी है तो मैं नहीं खाऊंगी गरम मसाला, क्योंकि मैं गर्मी में ज़्यादा तेल मसाला नहीं यूज करती। ऐसे ही आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता। गरम मसाला पड़ता है तो टेस्ट बढ़ जाता है। और ही इसमें हम इलायची लौंग जीरा ये सब पीस लिए हैं तो उससे भी ना टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाता है। अब इसमें डालूंगी मैं ये क्या बोल रही हूँ, आलू देखो गिर गई। अब इसमें ना मैं डाल देती हूँ ये टमाटर बारीक काट के रखे हैं, थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए तब इसमें मैं आलू डालूंगी। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया, अब इसमें ना हम आलू डाल देते हैं। 15 से 20 सेकंड के लिए आलू भी ना हम इस मसाले में इसको फ्राई करेंगे, भून लेते हैं इसको भी इसमें 15 से 20 सेकंड के लिए। 15 से 20 सेकंड के लिए हो गए, अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। अब इसमें डालूंगी मैं ये फ्राई किया हुआ बटर। हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ना हम इसमें और डालेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाले हैं। अब डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। क्या ये देखिए रुद्रा को पानी दे दो बोल रहे हैं। धनिया की पत्ती, हमें ना मार्केट भी जाना है क्योंकि बच्चे ना स्विमिंग करते हैं ना, उनका टोपी नहीं है, उनके पास गूगल भी नहीं है, लेने जाना है। दे रही हूँ इसमें पानी रुद्रा को। रुद्रा पानी ना बहुत नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा खेलता है पानी से ना, इसलिए ना मेन सप्लाई ही ना हम बंद कर देते हैं। इसको ना 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं पकने के लिए। आपने ये सब्जी कितनी बार बनाई है? बहुत बार बनाई। बेटी बोल रही है आपको याद है मम्मी आपने ये सब्जी कितनी बार बनाई है? उनके बहुत बार बनाए हैं, शायद हम आप लोगों के साथ इसको नहीं शेयर किए थे। अभी ना रुद्र ने ठंडा पानी बॉटल में लेके गया। देखिए मेरे बाल खड़े होके ना सलामी मार रहे हैं सब, इतने हेयर फॉल होते हैं ना सब, टूट टूट के कैसे हो गए हैं। और हमें ना मार्केट भी जाना है, सामान लेने जाना है। अभी हो जाए तो जान बच जाए, बच्चे खा लें। अभी 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। खाना भी बना, और पता है हम ना चावल बना लिए थे, चावल बनाए हैं, रोटी नहीं बनाऊंगी। रोटी मैं आऊंगी शाम को बनाऊंगी रोटी, आज नहीं बना रही हूँ मैं रोटी, टाइम नहीं है। क्योंकि हमें बाबू को सुला के ना हमें मार्केट भी जाना है सामान लेने के लिए। और अदरक भी नहीं है, अदरक इतना महंगा हुआ है कि आप क्या बताऊँ मैं। अदरक हर खाने में लगता है, मसाले में भी लगता है, सब्जी में भी लगता है, चाय में भी लगता है। अदरक यहाँ पे 50 रुपये पाव हुआ है, सोचो क्या महंगाई छाई है। सब सब्जियों में ना अदरक महंगा हुआ है। मेरी बेटी क्या कर रही है, मस्ती मिल जाएगा। ये देखिए हमारी सब्जी कैसे बलक रही है, ये ढक्कन ही ना उड़ रहा है पतंग की तरह। पतंग की तरह। यहाँ पे ना हमारा चावल हो गया है, इसको मैं हटा देती हूँ, रोटी बनाने के लिए रखी थी, रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और बाबू देखिए ये सब गिरा दिया है प्याज वाज। और पता है ना मेरा पोंछा भी ना टूट गया है। क्या है वो? पहले तो क्या है, पोंछा गिलास इधर है। उसका डंडा वहाँ पे है, और उसका डंडा वहाँ पे है देखिए। और उसका डब्बा ना 2-3 महीना पहले टूटा था। अभी मैं सोच रही हूँ ना पोछा लेने के लिए, क्योंकि आज मैं थक गई पोछा मारते मारते। और लेकिन देखिए ना फर्श अभी भी ना शाइनिंग मार रही है, सुबह में पोछा मार रही है। भले बाबू ने कचड़ा किया है लेकिन ना खूब घिस घिस के ना हाथ से ना खूब घिस घिस के पोछा मारे। और देखिए मरीज ये रहा देसी मसाले से हमारी सब्जी, पटर की, आलू पटर की, आलू पटर टमाटर की सब्जी। ऐसे सभी मसाले
पीस के बनाओ ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अक्सर शादी ब्याह में ना ऐसे ही सब्जी बनती है, हलवाई बनाते हैं, आधा भी बनाते हैं, और अक्सर हलवाई जब आते हैं ना तैसे बेसन में लगा के सब्जी बनाते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं खाना। हो गई हमारी सब्जी, ये देखिए हमारी आलू मटर की सब्जी बेसन वाली, फ्राई बेसन में। कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए निकालते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए जो प्लेट में सब्जी रखे थे ना, हम यही ले लिए हैं। और ये देखिए बाबू क्या किया, हे भगवान, ये डिस्को लाइट ऑन करके रखा है लड़का यहाँ पे। चलो हम लेके चलते खाना, चलो जल्दी करो। अच्छा वो दीदी का प्लेट लेके, दीदी का प्लेट पानी भर गया। देखिए ना 2:15 बज गया, बाप रे। अब इसको ना मैं फटाक से जल्दी जल्दी खाऊंगी, जल्दी जल्दी इसको सुलाऊंगी मैं। ए रुद्रा आ जाना बेबी, पानी लेके आ रही हो बेटा, पानी लेके आ रही हूँ। ऊपर उठाया करो बेटा, ऐसे वो खराब होता है। हाँ ठीक है, आ जाओ बाबू। कितना पानी लेते हो आप, तुरंत बोल रहे हैं ना पानी दे दो तुरंत, सारा दिन ये पानी गिराता है, मैं मर जाती हूँ पोछा मारते मारते। ये लो पानी डालो डब्बे में, अभी लेगा ना, और 1-2 ग्लास लेगा एडवांस। पानी लेता है 1-2 ग्लास से उसके साथ एडवांस लेगा, और इस ग्लास से उस ग्लास में, इस ग्लास से उस ग्लास में, यही करेगा। देखो पानी लेके जा रहा था, गिरा भी दिया। तो फिर चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो फिर हम ना इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, पहले उसकी सुनो फिर अपनी। बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय। किसी दे दो सबको दे दिए, चलिए बाय बाय।